न्यूज डिवाइन का एक और अंक लेकर हाजिर हूं मैं इस एपिसोड में आपका साथी राकेश। नमस्कार, मैं निरंकार। दोस्तों, अक्टूबर के इस अंक में हम आपके लिए वो सभी खबरें लेकर आए हैं जो देश विदेश में निरंकारी जगत के प्रचार प्रसार और सामाजिक कल्याण का हिस्सा बनी रही। तो आइए, आपके स्वागत के साथ प्रारंभ करते हैं न्यूज डिवाइन का सफर प्रमुख समाचारों के साथ, हेडलाइंस ऑफ द मंथ। दिव्य वाणी, सदगुरु आशीष, मिशन ओवरसीज, SNCF डायरी, एक खास मुलाकात और अदर न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। साथियों, सत्य न कभी छुपा है न लुप्त होता है, केवल हमारी नजर ही धोखा खा जाती है। इसीलिए हमें सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने यह संदेश दिया कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। जी हाँ, और नज़र बदलती है जब हम किसी संत, किसी महात्मा, किसी पूर्ण सदगुरु की छत्र छाया में स्थान पाते हैं। ऐसी ही पावन शिक्षा हमें निरंतर 36 वर्षों तक बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के युग में मिलती रही, और 36 वर्षों के उस तप, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण जीवन का दर्शन युगों युगों तक किया जाता रहेगा। आइए, बाबा हरदेव सिंह जी के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित पहले सेक्शन का रुख करते हैं जिसका नाम है दिव्यवाणी। जब इंसानों से प्यार करना हम सीख गए, इनसे फासले मिटा दिए, इनको गले लगा लिया, ये नहीं देखा कि ये पगड़ी वाला है कि टोपी वाला है, इनको हमने गले लगा लिया, जान लिया कि ये मेरे ही परिवार का अंग है, खुदा के ही परिवार का अंग है, तो फिर यानी कि सही मायनों में खुदा की बंदगी और इबादत हो गई। जैसे वो शायर ने कहा है कि सर झुकाने से नमाज तो अदा हो जाती है, लेकिन इबादत के लिए दिल झुकाने पड़ते हैं। कि केवल सर झुका लिया तो नमाज तो हो गई अदा, लेकिन सच्ची इबादत, सच्ची बंदगी के लिए तो दिल झुकाने पड़ते हैं। और दिल वही झुकते हैं जिनमें प्यार बसता है, जिनमें प्रेम बसता है, वही झुकते हैं। वरना तो अहम से भरे होते हैं, अभिमान से भरे होते हैं, अहंकार से भरे होते हैं, मैं क्यों इसके करीब जाऊं, मैं क्यों इसको अपनाऊं, ये मेरे से नीचा, मैं ऊंचा, मेरा मज़हब ऊंचा, इसका मज़हब नीचा, मेरा पैगंबर ऊंचा, इसका नीचा, इस तरह से मेरी जाति ऊंची, इसकी जाति नीची, इस तरह से अहम में चूर रहते हैं। जैसे वो शायर का फिर एक शेर ध्यान में आया कि आदमी के बारे में ये बात समझने वाली है कि सर जितना भरा हुआ है दिल उतना ही खाली है, कि जितना इसका सर भरा हुआ है यानी कि अभिमान से भरा हुआ है दिल इतना ही खाली है क्योंकि सर भरा हुआ है, और जिसके सर भरे होते हैं वही सर फिरे होते हैं। तो इसलिए महापुरुष संत जन यही एक संदेश देते हैं कि इस खुदा से नज़दीकत बना लें, इस मालिक खालिक से नज़दीकत बना लें, और इसके बंदों से नज़दीकत बना लें, और सच्ची इबादत, सच्ची बंदगी हो जाएगी। और कोई तरीका नहीं है, और कोई ज़रिया नहीं है। तो इसलिए इन बंदों से प्यार करना हम सीख जाएं, और प्यार का जहान हम बसाते चले जाएं। दोस्तों, बाबा हरदेव सिंह जी के बाद अब सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी के सानिध्य में निरंकारी परिवार को भक्ति की रहमत निरंतर प्राप्त हो रही है। समय समय पर आने वाले सदगुरु के प्रवचनों में छुपे सूत्र व रहस्य अगर हम अपने जीवन में अपना लें, उन्हें ढाल लें, तो जीवन कितना सुंदर बन सकता है। आइए, प्रेरणा पाते हैं सदगुरु माता जी के शब्दों से अपने दूसरे सेक्शन सदगुरु आशीष में।
सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज मानव कल्याण के पथ पर चलते हुए मानवता को निरंतर अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं। सितंबर के महीने में भी दिल्ली के बुराड़ी रोड के नजदीक ग्राउंड नंबर 8 में लगभग प्रत्येक रविवार को सदगुरु माता जी की पावन कृपा भक्तों पर बरसती रही। 4 सितंबर रविवार को सदगुरु माता जी की छत्र छाया में सत्संग कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहाँ पर भक्ति भरे वातावरण में भक्तों ने गीत, विचार और कविताओं के माध्यम से अपने भाव ममतामयी सदगुरु माता जी के समक्ष प्रकट किए। सत्संग कार्यक्रम में दिल्ली के अलावा आसपास के क्षेत्रों से भी भरपूर संख्या में भक्तों का आगमन हुआ। सत्संग समाप्ति से पूर्व सदगुरु माता जी ने गुरमत पर चलने की प्रेरणा देते हुए कहा, सत्संग जी जिसके अंदर गुरमत की भावना होती है उसके बोल और भाव सब गुरमत वाले बन जाते हैं और उसके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है और जिसके अंदर पॉजिटिविटी है उसका भाव बोल कर्म सब एक जैसा हो जाता है और ऐसे लोगों की दुनिया हमेशा यशोगान ही करती है। और हम सब ने साथ संगत जी ऐसा ही बनना है, ना कि हमारे बोल कुछ हो, भावना कुछ हो, कर्म कुछ हो, सब में पॉजिटिविटी ही लेके आनी है। इसी प्रकार रविवार ये सत्संग कार्यक्रम 11 सितंबर को भी आयोजित हुआ, जिसमें भक्तों को अपने हृदय के भाव सद्गुरु माता जी के चरणों में प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ। नजर में रहते हो जब तुम नजर नहीं आते, नजर में रहते हो जब तुम नजर नहीं आते, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। सत्संग कदे समा सी असी सतगुर की मुस्कान लई तड़फदे सी कि सतगुर की मुस्कान मिल जावे और सतगुर बाबा जी ने सब नू ही मुस्कान वंडी, आप जी सब जानते हो। सत्संग आप जी अगे झोली फैला के दसी ये मंग करती है कि अज सतगुर माता जी साढ़े सिर उपर हैं, इन्हों का सिर ते हथ है, सारे प्रण करिए कि असी मुस्कुराहट सतगुरु नूं खुद देवांगे ता कि साडी मुस्कुराहट नूं देख कर सतगुर माता जी मुस्कुरा उठन। चरणों से लगाए रखना हम निमाने दास तुम्हारे हैं, ओ भूलों को तू ही बख्शना, भूलों को तू ही बख्शना, हम तो रखना। सत्संग कार्यक्रम में सद्गुरु माता जी की आभा से अपार सब्र और संतोष झलक रहा था। आपने अपने उद्बोधन में भक्तों को सब्र और संतोष से जीने की प्रेरणा देते हुए फरमाया, सत्संग जी प्यार से कहना धन्यवाद, सत्संग जी बाबा एक उदाहरण दिया करते थे, शायद मसूरी में सुना था कि अक्सर हम अगर पहाड़ों की तरफ ऊंचे जाते हैं तो वहाँ पे कई बार इतनी ज़्यादा धुंध होती है कि हमें कुछ नज़र नहीं आता, यहाँ तक कि हमारे आसपास भी हमको कुछ नज़र नहीं आता, पर जो ही हम पहाड़ी से नीचे उतरना शुरू करते हैं धुंध हटती है तो हमें सब कुछ साफ़ सुथरा नज़र आना शुरू हो जाता है। सत्संग जी इसी प्रकार जिसके अंदर अभिमान की धुंध आ जाती है उसे अपने इर्द गिर्द कुछ नज़र नहीं आता, सिर्फ वही अभिमान उस पर इतना हावी हो जाता है, पर जब वही व्यक्ति नम्रता की तरफ झुकता है उसे अपने आसपास की सब अच्छाइयाँ सब में नज़र आनी शुरू हो जाती हैं क्योंकि वो अभिमान हट जाता है उसके अंदर से। 18 सितंबर को भी सदगुरु माता जी की छत्र छाया में ग्राउंड नंबर 8 में सत्संग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहाँ पर भक्तों को सदगुरु माता जी की भरपूर कृपा प्राप्त हुई। तेरे दर पे सर को झुकाना न भूले, झुकाना न भूले, तू ही काये तराना न भूले, तराना न
सतगुरु माता जी ने शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी वाले मिशन का जिक्र करते हुए उस दौर की भक्ति और समर्पण की ओर भक्तों का ध्यान दिलाया। शहंशाही वाला युग बस सत वचन का युग था। किसी ने मिशन की बेहतरी के लिए अगर कोई प्रस्ताव रखे हैं मिलजुल के, और उसमें से किसी एक का प्रस्ताव शहंशाही को पसंद आ गया तो सब उसको हंसी हंसी मान लेते थे, ना कि ये नहीं कहते थे कि मेरा प्रस्ताव क्यों नहीं शहंशाह जी को पसंद आया या उसका क्यों आ गया। सात संगत जी बाबाई का जैसे ध्यान था, हमने लाना है वही वाला शहंशाह जी वाला युग वापस मिलजुल के। आप सब ने बढ़ चढ़ के आगे बढ़ना है उसी को वापस लाने में। सात संगत जी धन। सितंबर के ही महीने में 25 तारीख को भी इसी स्थान पर सत्संग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नमस्कार की लंबी लंबी कतारों में दूर दूर से आए भक्तजन ममतामयी माँ के चरणों में झुककर आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। सत्संग कार्यक्रम में भक्तों ने जहाँ सद्गुरु माता जी का आशीर्वाद प्राप्त किया, वहीं बाबा जी के पावन आशीर्वचनों को भी श्रवण किया। महापुरुष गीत कविता व्याख्यान के रूप में यही एक प्रेरणा देते हैं, यही एक संदेश देते हैं कि हे मानव, हे इंसान, तू इस प्रकार से अपने इस जीवन के सफ़र को तय कर जो सफ़र तेरे लिए और औरों के लिए कल्याणकारी है। तेरा हर पहलू जीवन का एक सुंदर रूप में सामने आता चला जाए। तेरा व्यवहार, तेरी बोल, तेरी चाल ये हर प्रकार से एक सुंदर रूप धारण कर लें, तभी तेरी शोभा है, तभी तू वरदान है इस धरती के लिए, वरदान है परिवार के लिए, वरदान है समाज के लिए, वरदान है तू सारी धरती के लिए, सारी मानव जाति के लिए एक वरदान बनना है। इसलिए महापुरुषों के कथन ये बार बार हमें ये प्रेरित करते हैं। सद्गुरु रूप में प्रकट होने के पश्चात सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज ने पहली बार कल्याण यात्राओं की लड़ी में अक्टूबर के महीने में चंडीगढ़ के भक्तों को दर्शन देकर कृतार्थ किया। इस कल्याण यात्रा का पूरा विवरण हम आपको न्यूज डिवाइन के अपने अगले अंक में दिखाएंगे। सद्गुरु की शिक्षाओं के बाद अब चलते हैं विदेश की ओर, जहाँ निरंकारी भक्त विश्व के कोने कोने में मिशन का संदेश दे रहे हैं। अलग अलग विधियों से, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग भाषाओं के माध्यम से, अलग अलग संस्कृतियों व संप्रदायों में, सब कुछ भिन्न पर संदेश एक, उसी परमात्मा का जो सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है। लेट्स टेक अ लुक एट द प्लेथोरा ऑफ एफर्ट्स बीइंग मेड बाय द वॉलंटियर्स एंड फॉलोअर्स ऑफ द मिशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड in the section Mission Overseas. The volunteers of the Bradford UK branch of SNM celebrated the National Grandparents Day on 2nd of October 2016 at the Centre for Oneness, Bradford, UK. The Lord Mayor Councillor Geoff Reed and Lady Mayoress Mrs. Chris Reed attended the special service to commemorate and celebrate grandparents past and present, recognizing their sacrifices, hard efforts and contributions paving the way for current and future generations to enjoy the freedom and opportunities gifted to them. Sant Nirankari Mission's philosophy was also shared, which is to respect all irrespective of gender, age, social class, caste, color and religion. Also to love and respect our elders, utilizing their wisdom and experiences in partnership with the energy and enthusiasm of the youth. The Abbotsford Canada branch of the mission participated in the annual CIBC Run for Cure on 2nd of October 2016. The second UAE Lady Samagam was held on 30th of September 2016 in Dubai, where the female followers of the mission from different parts of UAE took part to spread and share the message of love and harmony. Mr. Jordan Bowen, President SNM Polska, participated in the WARP, that is World Alliance of Religions for Peace Summit in Seoul, South Korea, from 17th of September till 19th of September 2016, where he shared the mission's message elaborately. The SNM New York branch participated in the historical annual street fair at the New Hyde Park, New York, on the 17th of September 2016.
With the divine grace of Her Holiness Sadhguru Mata Savinder Hardev Ji Maharaj, New York branch took part in the annual New Hyde Park Street Fair. New Hyde Park Street Fair has been one of the historic events that has been proving to be a great catalyst in bringing the local community together. The fair, holding up its true definition, is a conglomeration showcasing wide spectrum of products, services, and concepts. Consumers of all ages, belonging to diverse background, freely browsing various booths, and it is this nature of the event that presents the opportunity to interact with eager souls and introduce the philosophy of the Sant Nirankari mission. This year, the event was held on September 17, 2016 in the village of New Hyde Park en route Jericho Turnpike. Alongside Mission's publications booth, a blood drive pre-registration booth was organized as well in regards to the upcoming October 2, 2016 blood donation camp. An entire team of volunteers was dedicated to distribute Mission's literature. Face painting was yet another key feature of the event as it drew a great amount of young kids accompanied with parents or guardians. While the little ones are either getting their face painted or simply awaiting their turns, this provides opportunities for the volunteers to interact with the parents, guardians, and strike up a conversation regarding Mission's social involvement as well as spiritual approach towards a peaceful living. As a backdrop, melodious songs of the Mission were being played softly, to which volunteers as well as occasional bystanders could be spotted gently humming to New York branch humble praise to the Foremost Almighty to continue to become recipient of such opportunities and become an instrument in fulfilling the divine vision. The National UK Sevadal Camp was organized on 17th of September 2016 at the West Midlands Bhavan in Birmingham, UK. The meet included march past, Sevadal songs, discussions and discourses on various dimensions of Seva by the regional adhikaris and Sevadal volunteers. The volunteers performed Sevadal PT and new Sevadal blazers were also given to new volunteers. The camp concluded with the message of Sadhguru Mata Savinder Hardev Ji Maharaj. Sat Sangat Ji, Dhanankar, Sat Sangat Ji, Baba Ji hamesha samjhate the. जो हुक्म में रहकर होती है वही सेवा महान होती है और सेवा कभी छोटी या बड़ी नहीं होती सेवा मींस अ लॉट फॉर द सेवादल दे आर ऑलवेज हैप्पी टू सर्व अदर्स एज चाचा प्रताप सिंह जी ऑलवेज सेड वी आर बॉर्न टू सर्व अदर्स एंड अदर्स आर बॉर्न टू गेट सर्विस फ्रॉम अस सेवादल वेट्स फॉर अपॉर्चुनिटीज टू कम व्हेन दे कैन डू सेवा एंड नेवर वॉन्ट सेल्फ प्रेज इन रिटर्न They believe in selfless service. May all rise above selfish motives and take the mission to the heights where Babaji wanted to see. जो आप महापुरुषों के अंदर सेवा भावना है काश समाज में भी ये सेवा भावना आ जाए तो सारी दुनिया कितनी सुंदर हो जाए Being a part of the Sangat, may the Sevadal carry on doing seva for humanity as Babaji wanted. Sat Sangat Ji Dhanankar. अगले सेक्शन की ओर बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक एक लघु विराम मिलते हैं ठीक इस ब्रेक के बाद Welcome back after this short break. Friends, the Sant Nirankari Mission has always advocated the need of an educated, healthy, and empowered society, right since its inception in 1929. It is with these motives in mind that Shehanshah Baba Avtar Singh Ji initiated many vocational programs for the refugees after the division of India in 1947. Following the footsteps of Shehanshah Ji, Baba Gurbachan Singh Ji, took forward the philanthropic dimension to a new high with many schools, colleges and dispensaries for the betterment of the society. And then
Who can forget the incredible efforts and initiatives of Baba Hardev Singh Ji Maharaj that included massive blood donation drives, tree plantation and cleanliness drives, educational institutes with moralistic basis of learning, health and eye checkup camps, help for prison inmates, help for citizens during natural calamities, vocational courses for empowerment of youth and women, and many more such steps that went on to impress authorities and governments all across the globe, who in turn appreciated and rewarded us with numerous honors. Well, the journey goes on, and this month, the Clean India Initiative, which began in collaboration with the Railway Ministry of the Indian government, whereby the volunteers of the mission contributed mammoth 24 lakh man hours to clean more than 45 railway stations spread across India every month. Here is a report on the completion of 1 year of this selfless service, along with other news from the SNCF Diary in the section, of course, called SNCF Diary. SNCF की ओर से निरंतर चलने वाली गतिविधियों की लड़ी में सदगुरु माता जी की कृपा से सितंबर के महीने में भी अनेक प्रकार के सामाजिक और आध्यात्मिक कार्य किए गए। ब्लड डोनेशन की लड़ी में सितंबर के महीने में भी देश के अनेक स्थानों पर SNCF की ओर से रक्तदान शिविर लगाए गए, जिसमें जबलपुर आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप में ब्रह्म कुमारी बहनों ने उपस्थित होकर डोनर्स का हौसला बढ़ाया और मिशन द्वारा मानव हित में किए जा रहे इस कार्य की सराहना भी की। जबलपुर के अलावा ये ब्लड डोनेशन कैंप हिमाचल प्रदेश में शिमला, राजस्थान में जयपुर और चुरू, उत्तराखंड में देहरादून, जम्मू कश्मीर में कठुआ, महाराष्ट्र में मुंबई, मध्य प्रदेश में रायपुर और गुजरात में अहमदाबाद आदि अनेक शहरों में लगाया गया। इन रक्तदान शिविरों में हजारों हजारों की संख्या में निरंकारी भक्तों ने श्रद्धा और समर्पण भाव से रक्तदान कर सदगुरु बाबा जी के मानव कल्याण की शिक्षाओं को उजागर किया। एक और जहां निरंकारी भक्तों ने इन रक्तदान शिविरों में बढ़ चढ़कर रक्तदान किया, वहीं युवाओं ने स्थान स्थान पर रैली निकालकर व नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से ब्लड डोनेशन के प्रति जन सामान्य को जागरूक भी किया। सितंबर के महीने में हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक सद्भावना रैली भी निकाली गई, जिसमें मिशन के सेवादारों व SNCF के वॉलंटियर्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस रैली में युवाओं ने मिशन के संदेशों को तरह तरह के सुंदर स्लोगन लिखी हुई पट्टियों को हाथों में लेकर पूरे शहर में मार्च करते हुए लोगों को मानवीय गुणों को अपनाने और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने हेतु जागरूक करने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों ने इस प्रयास की भरपूर सराहना की। 4 सितंबर को महाराष्ट्र के मुंबई में SNCF द्वारा एक नेत्र जांच शिविर लगाया गया, जिसमें लगभग 47 मरीजों के आंखों की जांच की गई। नेशनल ब्लाइंड एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित इस शिविर में बच्चू भाई अस्पताल के चिकित्सा कर्मियों ने पूरा सहयोग किया। मिशन द्वारा किए जा रहे इस मानव सेवा कार्य की स्थानीय MLA और गणमान्य सज्जनों ने प्रशंसा भी की। SNCF द्वारा हील, एनरिच और एम्पावरमेंट के इन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाते हुए 25 सितंबर को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में थैलेसीमिया व सिकल सेल जांच का एक शिविर लगाया गया, जिसमें निरंकारी भक्तों व स्थानीय लोगों को लाभ पहुंचाया गया। इसी प्रकार नरसेवा नारायण पूजा के भाव को साकार करते हुए संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में इलाहाबाद और वाराणसी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निरंकारी भक्तों द्वारा भोजन के पैकेट, दूध, दवाइयां व अन्य राहत सामग्री का वितरण भी किया गया। इसी प्रकार ये राहत सामग्री जबलपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी वितरित की गई। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक संदेश दिया कि प्रदूषण अंदर हो या बाहर, दोनों हानिकारक हैं। इस वक्तव्य से प्रेरित होकर निरंकारी भक्तों द्वारा बाबा जी के मार्गदर्शन में 23 फरवरी 2009 से लगातार देश विदेश में स्वच्छता अभियान चलाए जाते रहे हैं। इसी श्रृंखला में 2 अक्टूबर 2015 से देश भर के रेलवे स्टेशनों पर प्रत्येक माह स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को जारी रखते हुए सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी की रहनुमाई में इस महीने इस अभियान के एक वर्ष पूरे होने पर 2 अक्टूबर 2016 को संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से स्वच्छता का 12वां यानी अंतिम चरण महासफाई अभियान का चलाया गया।
जिसमें SNCF के वॉलंटियर्स और मिशन के सेवादारों ने साथ मिलकर देश के लगभग 50 भिन्न भिन्न रेलवे स्टेशनों की सफाई की। इसी लड़ी में इस महीने यानी 2 अक्टूबर 2016 को रेलवे स्टेशनों के अलावा इस सफाई अभियान के लिए देश के कुछ ऐतिहासिक और प्रमुख स्थानों को भी चुना गया, जिनमें मुंबई का जुहू बीच, आगरा का ताजमहल परिसर, वाराणसी के सभी 84 घाट और चंडीगढ़ के भिन्न भिन्न स्थान शामिल रहे। NDTV के साथ चलाए गए इस महा स्वच्छता अभियान में लगभग 60,000 SNCF के वॉलंटियर्स और मिशन के सेवादारों ने भाग लिया। इन वॉलंटियर्स और सेवादारों में समाज के हर क्षेत्र, हर तबके से जुड़े हुए सम्मानित लोग थे, जिन्होंने सदगुरु बाबा जी और सदगुरु माता जी के पद चिन्हों पर चलते हुए मानव हित में किए जा रहे इस कार्य में श्रद्धा और निष्काम भाव से अपना अमूल्य योगदान दिया। NDTV पर लाइव दिखाए जा रहे इस क्लीनाथॉन अभियान के दौरान SNCF की चेयरपर्सन बहन विद्या छाबड़ा जी द्वारा दिए गए एक इंटरव्यू में इस मुहिम का पूरा विवरण दिया गया, जिसका अनुमोदन व प्रशंसा कार्यक्रम में मौजूद फिल्म जगत के दिग्गज कलाकार श्री अमिताभ बच्चन ने भी किया। वेलकम बैक, दिस इज NDTV जटोल क्लीनाथॉन एंड वी आर हियर with Mr. Bachchan on Juhu Beach, where a cleanup has been taking place since the morning. It's looking, now that the tide is receding again, I'm seeing a lot of muck there. So now is when I guess the cleanliness campaign can really kick off here. But you know, we've been here since the morning. And बहुत सी अच्छी अच्छी बातें होती रही हैं, बहुत से लोग यहाँ पर आए हैं, बड़े बड़े विख्यात मुख्यमंत्री, अलग अलग हस्तियाँ यहाँ पर आई हैं और सब ने यही बात की है कि किस तरह देश को स्वच्छ बनाया जाए। हमारा एक सुझाव था कि जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ आप काम करते हैं, यदि 10 गज ज़मीन जो है इर्द गिर्द आपके, केवल 10 गज उसे आप साफ रखेंगे तो इस तरह पूरा शहर जो है, पूरा देश जो है वो स्वच्छ हो सकता है। लेकिन आज का ये जो कार्यक्रम है वो ये हम प्रदर्शित करना चाहते हैं कि 10 बहुत ही विख्यात जगहें जो कि देश की हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, ताजमहल हो, हरमंदिर साहब हो, अजमेर शरीफ हो, सब जगह ये बहुत ही मुख्य जगह हमारे देश में और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है जनता जाती है। इन जगहों को हम चाहते हैं आज के इस अभियान में कि ये साफ रहे और जितना भी हम इसमें अपना योगदान दे सकते हैं उसका हम प्रयत्न कर रहे हैं। But we have some very special guests coming in to join us right here. And Bindya Chhabra, it's such a pleasure to have you with us, founder member of the Sant Nirankari Charitable Foundation. And Bindya, I actually want to start with you because one of the things that you've been doing is cleaning up those railway stations. And since the morning, you and your organization, how many railway stations have you actually worked in cleaning up since the morning today? First of all, I'd like to thank you for inviting us here and believing in us and making us your supporting partner. And since morning, it's more than 50 stations we are cleaning. And this more is than 50 railway stations, yes, in have India. Been cleaned. Can we put your hand together for them, please? 50 railway stations already. Yes. And this we've been doing since 1 year, last 1 year. And for one year we had taken this campaign. And it was actually the ministry, Mr. Prabhu Ji had asked us, requested the foundation that we take up about, he gave a list of about 400 stations to us. And from that we selected just 47 first. And but today, because we had a request from so many other places that please clean up the other stations, and that's why it's more than 50 today. Yeah. More than 50 stations. And about, I can say about 60,000 volunteers today have worked. They're given their 5 hours each, their, you know, man hours in it, yes. Well, I'm sure Amit Ji has a message for all the people who put in so much I work. I just want to, you know, thank you for conceiving this concept. And also to all the people, all the workers, you say about 60,000? Today, it's today, 60,000. 60,000 log voluntarily काम कर रहे हैं इस अभियान में, उनको हम नमस्कार करते हैं और धन्यवाद देते हैं और इसी तरह हम उम्मीद करते हैं कि और बहुत से लोग भी इनके साथ जुड़ेंगे। ये 60,000 नहीं और भी 70,000-80,000-90,000 लोग हो जाएं और काम करें इस अभियान की ओर। और उन्होंने कहा कि 50 स्टेशन, रेलवे स्टेशन को आपने
स्वच्छ रखने का एक एक दृढ़ निश्चय किया है तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद आपका You know, this sort of activism taking place, and that's what's really required. You need to have people taking it upon themselves. Yes, the government needs to do a bit, the media needs to do a bit, corporates need to do their bit, organizations like SNCF need to do their bit. That's when you will be able to actually have a positive change. Number of people here in the audience are with us. We have people cleaning up Juhu Beach right behind us. And it's a great pleasure to be joined now by the Railway Minister, Mr. Suresh Prabhu. Mr. Prabhu, thank you so much for being with us, sir. Well, as you know, the railways play a very key role in terms of keeping cleanliness, hygiene, as well as making the ethos far better. So we have been working on a very big campaign, which we have said that Rail Bade, Desh Bade, Swachh Rail, Swachh Bharat. If you keep railways clean, the India could be clean, because they are the icons of that particular city. So we have been working on this for a long time. I'm very happy to say it has shown tremendous improvement. We have launched a massive campaign. Right. I must say that there are several non-governmental organizations are now getting involved. I'll give one example. The Nirankaris, they keep coming month after month, week after week, hundreds of them, volunteers wearing their own uniform, bringing their own material, and they do cleanliness with such a dedication as if they are doing a car seva. This is something which is very important. Right. And we are involved a lot of such organizations countrywide. And that's how we are successful in keeping clean. But my request, humble request, to all the commuters of the country, please join hands with us. It is not possible that we can use one hand to make it unclean, and we should another hand of the railways to make it clean. Why not you bring both the hands, work together to make sure that no uncleanliness and cleanliness is a pledge and a prayer that we'll do with both the hands. Thank you so much, sir. Thank you. Mr. Prabhu, thank you so much for joining us. And you know, you mentioned the Sant Nirankari Charitable Foundation. I'm very happy to tell you that they've been working very closely in this entire campaign along with NDTV and RB and others. And they've today, in fact, they are organizing a cleanup in 47 railway stations today. 47 railway stations today, they're going to be working to clean up. We'll be showing you the pictures during the course of the day, including CST, which is one of those 10 iconic locations. Ketke, when you talk about the railway tracks, one constant problem is the problem of rodents. And you know, Mumbai is a city that gets so much rainfall. Rodents is anyways a problem. If you also look at how, you know, September alone has seen 7 deaths in Mumbai just because of leptospirosis. So the rodents problem is a very real problem. Yes, we have to acknowledge that railways has seen a change as far as cleanliness is concerned. It has changed for the better. दो सितंबर 2016 को मुंबई के जेजे हॉस्पिटल परिसर की सफाई भी की गई तथा 13 सितंबर को श्री गंगानगर के सरकारी अस्पताल में भी ये स्वच्छता अभियान चलाया गया। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के समाचारों के बाद अगले सेक्शन की ओर बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, एक लघु विराम। मिलते हैं ठीक इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद सभी दर्शकों का एक बार फिर से न्यूज़ डिवाइन में स्वागत। दोस्तों, अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं जहां हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जो सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित हैं और जिन्होंने निरंकारी मिशन से प्रभावित होकर अपने विचार हमारे साथ साझा करने का मन बनाया। सेक्शन का नाम, एक खास मुलाकात। We are very fortunate to be talking to Mr. Victor Swaroop, who is the president of an organization called GOPIO. GOPIO stands for Global Organization of People of Indian Origin. Mr. Victor Swaroop, thank you so much for talking to News Divine. Tell us a little bit about GOPIO. GOPIO is an international organization. It's an advocacy organization, and it encompasses all the people that come from India, whether they are from Trinidad, Guyana, West Indies, or wherever.
we have been able to galvanize them and bring them together for issues which are very important to them. We do a lot of events with different organizations and different countries. Mr. Swaroop, the whole idea about, you know, what your organization does or what the Nirankari Mission has been doing, to some degree we all unite as one when it comes to humanity, when it comes to humanness. The Sant Nirankari Mission has been doing so many projects on humanitarian basis. Talk to us about, you know, what it would take for the world to really become one, to have humanity, to see humanness around us. Let me first of all congratulate the Nirankari Mission, because whenever I've come across Nirankari Mission, you know, it's been spectacular. Why I say that is because they are so devoted, they are so organized, they are so harmonious, it's beyond, you know, explanation. And that is something that I marvel. And we, if we can bring that type of harmony across the board with lots and lots of people, that would be just a blessing. Mr. Swaroop, that was the vision of our Sadhguru Babaji. You know, he left us with the message of humanness. His dream was to, you know, see the world as one. He wanted to see peace. He left us with the slogan of, you know, peace and harmony. He left us with the slogan of humanness, oneness. So it is a matter of, you know, all different organizations in the world, all the different people of, you know, different backgrounds coming together. In your vision, how can we achieve that dream that Babaji left us with of seeing the world as one family, children of the same one God? While you were saying that, I was finding out that how it can be done, like the way you are reaching out to Gopio. And another thing that you are reaching out, the Nirankari Mission is reaching out. I'm also a board of trustees of the Gandhi statue. And Gandhi stood for peace. And Gandhi was one man who galvanized and organized millions and millions of people. He could do it. Nirankari Babaji had that vision and dream. And let's coalesce around different organizations. Let us join hands with different organizations with a common thread of doing good. And let's permeate it into the world itself. At different locations, different events, let's go there and express ourselves. I think that way it'll be possible. And of course, through the big organizations like UNO, which Nirankari Mission does a lot of work with. Mr. Swaroop, I really thank you for sharing your thoughts with us. Thank you so much for talking to News Divine. Thank you very much, and I wish we can join hands with the Nirankari Mission and take it all across the world. Thank you. I look forward to that. For Ek Khas Mulaqat, this is Preet Sahi reporting for News Divine. तो देखा दोस्तों, निरंकारी मिशन की शिक्षाएं इतनी सार्थक और व्यवहारिक हैं कि सभी इनसे प्रभावित होते हैं. इसलिए अगर आप भी मिशन के सदस्य हैं तो आप भी इसके प्रचार में सहयोग दे सकते हैं, अपने व्यवहार से, अपने शब्दों से और अपने चरित्र से. और अगर अभी आप इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि एक बार नज़दीक आकर देखिए किस प्रकार बिना किसी जाति, रंग, भाषा, खान पान, धर्म और संप्रदाय के भेदभाव के यहाँ प्यार से रहने का तरीका सिखाया जाता है. और सिखाया ही नहीं, प्रैक्टिकली जीना भी बताया जाता है. और इसकी अभिव्यक्ति होती है नित्य होने वाले सत्संग में और वर्ष भर आयोजित होने वाले अनेक संत समागमों के जरिए, जिनमें प्रमुख होता है संत निरंकारी मिशन का वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय संत समागम, जो इस वर्ष नवंबर की 19, 20 और 21 तारीख को बुराड़ी स्थित विशाल मैदानों में आयोजित होने जा रहा है. समागम सेवा का प्रारंभ 16 अक्टूबर से होगा. इस समागम में जहां अनेक देशों के भक्त पधारेंगे, वहीं भारत के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु एक ही स्थान पर एकत्र होकर वसुधैव कुटुंबकम का जीवंत रूप प्रस्तुत करेंगे. आप भी आ रहे हैं ना? डू जॉइन अस एट द एनुअल समागम नेक्स्ट मंथ, वेयर लव, कंपैशन, टॉलरेंस, मैग्नानिमिटी, पेशेंस, फेथ एंड डिवोशन आर नॉट ओनली गोइंग टू बी प्रीच्ड बट लिव्ड ऑल्सो. वेलकम टू द माइक्रोकॉस्म ऑफ वन वर्ल्ड, one family. It's time to move to our last section now of this episode, which is other news.
सितंबर के महीने में मिशन के प्रचार विभाग की ओर से स्थान स्थान पर प्रचारक ट्रेनिंग कैंप्स लगाए गए, जिसमें मिशन के प्रबंधकों और प्रचारकों को प्रचार संबंधी जानकारी दी गई। इसी लड़ी में सितंबर के महीने में 3 तारीख को निरंकारी कॉलोनी स्थित संत निरंकारी पब्लिक स्कूल में स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट पर एक सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें ह्यूस्टन यूएसए से आई डॉक्टर शालू केसवानी ने स्कूल के छात्र छात्राओं को तनाव और समय प्रबंधन के बारे में विधिवत जानकारी दी। इस अवसर पर बहन बिंदिया छावड़ा जी के साथ स्कूल के स्टाफ और मिशन के अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दिल्ली सरकार द्वारा एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें अनेक शिक्षकों सहित संत निरंकारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ड्राइंग टीचर को द स्टेट टीचर अवार्ड 2016 से सम्मानित किया गया। पीजीटी फाइन आर्ट संत निरंकारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल निरंकारी कॉलोनी दिल्ली। ये अवार्ड मेरी मेहनत का ही नहीं बल्कि मेरे सुपीरियर्स, मेरी कोलीग्स के कोऑपरेशन और इंस्पिरेशन, स्टूडेंट्स की मेहनत और मेरी फैमिली की सपोर्ट और उनकी गाइडेंस का ही नतीजा है। आई एम सो थैंकफुल टू ऑल। आई फील प्राउड कि सतगुरु के आशीर्वाद से मुझे संत निरंकारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सेवा करने का मौका मिला है। 2 सितंबर को उत्तराखंड के मसूरी में नगर पालिका परिषद के परिसर में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत ने मानवता के मसीहा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के मानव कल्याण के कार्यों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और मसूरी के कैमलबैक रोड का नाम निरंकारी बाबा हरदेव सिंह मार्ग रखा, तथा साथ ही मसूरी के प्रस्तावित टाउन हॉल का नाम भी निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के नाम पर रखने की घोषणा की। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने हमारे निरंकारी समाज के बहुत अगुआ प्रेरक थे संत हरदेव जी महाराज, उनके नाम पर रखा। हॉल का नामकरण उनके नाम पर कर दीजिए, क्योंकि वो एक शांति का, सौहार्द का संदेश पूरी दुनिया में फैलाने के, नई तरीके की दुनिया बनाने की बात करते, समाज बनाने की बात करते थे, और मसूरी हमारे उनके स्वभाव के अनुकूल है, तो उनके नाम पर उसका हॉल का नाम कर दीजिएगा। हैदराबाद में 11 सितंबर को एक बाल समागम का आयोजन हुआ, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने विभिन्न मोहक कार्यक्रमों के माध्यम से जहां भक्ति भाव प्रकट किए, वहीं सत्य का संदेश जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। और इसी प्रकार सितंबर के महीने में महाराष्ट्र के मुंबई में इंग्लिश मीडियम समागम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। इस समागम में युवाओं और बच्चों ने जहां अंग्रेजी भाषा के माध्यम से भक्ति भरे गीत, कविताएं और व्याख्यान प्रस्तुत किए, वहीं मिशन के संदेशों को रोचक ढंग से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। 13 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के शिमला में निरंकारी मिशन की ओर से इवेंट ऑफ ह्यूमैनिटी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी प्रकार शिमला में ही एक निरंकारी प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें मिशन की शिक्षाओं और गतिविधियों को चित्रों के माध्यम से उकेरा गया था। स्थानीय लोगों और निरंकारी भक्तों ने पहुंचकर इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया और लाभ उठाया। तो लीजिए साथियों, न्यूज डिवाइन का एक और अंक संपन्न होने जा रहा है। जी हाँ, जैसे कहा जाता है, जो सफर प्यार से कट जाए वो प्यारा है सफर। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का पूरा जीवन केवल निर्मल प्यार था। सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज भी निरंतर प्यार से रहने की ही प्रेरणा पूरे विश्व को देती चली आ रही हैं। आइए इनके पद चिन्हों पर चलते हुए जीवन को प्यार का मुजस्मा बना लें, जिसके लिए आवश्यक है प्रेम के स्रोत निराकार प्रभु परमात्मा से जुड़ना, और जुड़ना ही नहीं जुड़े रहना भी। सदगुरु निराकार से इसी प्रार्थना के साथ कि सभी जुड़े रहें, जोड़ते रहें, अगले एपिसोड तक के लिए अनुमति इजाज़त दीजिए अपने साथी राकेश को। हाजिर होंगे समागम सेवा व अन्य समाचारों के साथ। नमस्कार, धन निरंकार।